हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक और अच्छा चैप्टर और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प सा चैप्टर है जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें कि हम हर चैप्टर के कुछ क्रिस्प नोट्स या फ्लो डायग्राम्स आपको बना के दे सकते हैं ताकि आप अपने ब्यूटीफुली अपने आंसर को अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में या आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें लिख पाएं और आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। एट द एंड आपको आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो स्टार्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो डील करता है आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जन सुविधा से जिसका नाम है खाना। तो हर इंसान के लिए खाना जितना ज़रूरी है वो आप साइंस में पढ़ते ही आ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स किस हर इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चैप्टर में उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि ये इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो वर्ड है फूड सिक्योरिटी, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। तो फूड सिक्योरिटी जो है, अच्छा ये सिक्योरिटी वो वाला सिक्योरिटी नहीं है कि कहीं से आपको लूटपाट के खाना ले आना है, अपने खाने को बचा के रखना है, वैसा कुछ सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब है ये तीन चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि एक जगह में, एक टेरिटरी में रहने वाले हर इंसान के लिए खाने की प्रॉपर क्वांटिटी मौजूद हो, जितनी उसे चाहिए। दूसरा असेसिबिलिटी, हर इंसान के लिए खाना तो मौजूद हो, सबके लिए अवेलेबल तो हो, साथ में वो खाना उस इंसान तक पहुंच भी पाए। आप सपोज आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा सुना होगा कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है, बहुत पहले होता था कि जो अमीर क्लास होती थी जिसे हम हाई क्लास सोसाइटी कहते हैं, उनके पास ही सारा कंट्रोल रहता था खाने पीने का, और जो गरीब लोग होते थे उन्हें राजा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था खाने के लिए, कि उनके भंडार भरने के लिए। तो वैसा ना हो, हर इंसान तक वो खाना पहुँच सके जो उसके लिए एक डेपो किया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के तहत। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, खाना मौजूद है, खाना एसेसिबल है, लेकिन इंसान के पास अगर उतना पैसा ही नहीं है कि वो खाने को खरीद पाए या खाने को अफोर्ड कर पाए, तो फिर भी उस इंसान की जो न्यूट्रिएंट्स या हेल्दी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो सकती। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी तीन प्रॉब्लम्स पे डील करेगा। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए खाने का। दूसरा असेसिबिलिटी, यानी हर इंसान तक खाना पहुंच पाए। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी, यानी खाने का बहुत जो प्राइस हो वो बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि लोगों के लिए वो अफोर्ड करना ईजी हो। अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्या है। वैसे देखो, जरूरत बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमिना है, अगर आप खाना नहीं मिलेगा आपको तो जाहिर सी बात है आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी देश की जो इकोनॉमिक्स है वो उसके वर्क फोर्स पर डिपेंड करती है, और वर्क फोर्स अगर खाना ही नहीं खा पाएगी तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लस इसके कुछ और इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि अगर किसी देश में फूड सिक्योरिटी या फूड के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं है तो प्रॉपरली वहां पे आगे दिक्कतें क्या आ सकती हैं। पहला है, इट इज नीडेड टू मीट इमरजेंसीज, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रिवेंट फेमाइंस एंड स्टारवेशन डेथ। अब आपने अगर सुना होगा तो बहुत पहले जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे तो आपने सुना होगा कि ग्रेट फेमाइन आते थे, मतलब अकाल पड़ जाता था, उसके बाद खाना नहीं मिलता था लोगों को, तो लोगों से दूसरे देशों से खाना मांगना पड़ता था। आप सुन रहे होंगे अभी बहुत सारे हमारे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें जो ग्रेन्स है उसकी सप्लाई रुक चुकी है, मतलब वहाँ पर हार्वेस्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो प्रॉपरली हार्वेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं होता प्रॉपर कि अगर एक साल हार्वेस्ट नहीं होगा तो फिर खाना कहाँ से आएगा। तो फिर उन देशों को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है अपने खाने की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। दूसरा, लोग भूख के मारे मर ना जाए, इस चीज को रोकने के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो गोडाउंस हैं उसमें बहुत ज्यादा अनाज भरा जाता है, जो बेसिक अनाज है जिसे हम गेहूं चावल कहते हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखा जाता है, इवन कि अब हम एक्सपोर्ट भी उसे करने लगे हैं। तो ये सब एक प्लानिंग के अंडर में जब गवर्नमेंट करती है तो उसी को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। नेसेसिटी आप समझ चुके हैं। नेसेसिटी में आप अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको तीन चार बातें ध्यान रखनी है, जैसे कभी शॉर्टेज ना हो इमरजेंसी की सिचुएशन में, कभी अकाल ना पड़े, और दूसरा किसी की भूख से मौत ना हो। इसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की। इंडिया में क्या ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी का जो काम धंधा है वो ठीक से चल सके। तो जो कहानी है ना, ये तो भाई बहुत पहले शुरू हो जाती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये कहानी शुरू हो जाती है, जब सरप्लस अमाउंट में हम लोग गेहूं उगाने लग गए थे। उसके बाद ये हुआ कि भाई तब इतना खाना रखा कहाँ जाए, और इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा फेमाइंस पहले देख रखे थे अपने पास्ट में, अपने इतिहास में। तो उससे क्या हुआ, कुछ प्रोग्राम्स का उदय तो होना बनता था, तो कुछ प्रोग्राम्स जो सम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे और कुछ स्कीम्स इंडिया ने चलाई, उसमें सबसे पहली जो स्कीम है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा साइंस में, मैक्रो और माइक्रो तरह के दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटीज के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया गया। तो बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस टाइप के स्कीम्स चलाए गए। दूसरा है फूड फॉर वर्क,
बहुत जगहों पे आज भी ऐसा होता है कि जो ऑफिस है उसमें ही लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो खाना जो है वर्क के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगहों पे जो है खाने को एज अ प्रायोरिटी माना गया कि खाना आपको मिलेगा तभी आप काम कर पाएं। इसलिए अगला है मिड डे मील। अब बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ आपने देखा होगा, मतलब गाँव में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, जिनमें बेसिकली जो बच्चे हैं वो बहुत इंटरेस्ट से उस मिड डे मील को लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है स्कूल जाने के लिए, और मिड डे मील बेसिकली उनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत होती है उसे भी पूरा कर देता है। उसके अगला है अंत्योदय अन्न योजना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, साथ में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर महीने अपना इतना गेहूं इतना चावल अपना खरीद सकें, तो उनके लिए सरकार एक नई सुविधा लाई कि जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट में अन्न उगेगा हम उसे गरीबों में बांट देंगे, तो वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत आता है। इसकी बात हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी की हुई है, तो इसमें हम बेसिकली जो राशन कार्ड वगैरह होते हैं उस पर हर इंसान के हिसाब से उसकी जरूरत के हिसाब से उसे खाना प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम भी जो है वो सरकार ने बहुत अच्छी लॉन्च की है, जिसमें हर गरीब को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, मतलब जितनी उसकी जरूरत है नीड्स है उसके हिसाब से खाना मिल जाता है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और बाकी हम लोग एक और सीरीज का प्लान कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो बिंदास आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और थैंक यू, हैव अ गुड डे।